भारतीय सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब को कोई काम दिया हो और उसका अच्छा परिणाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सुपर कॉप अजीत डोवाल साहब को भारत का चाणक्य और जेम्स बॉन्ड, वो भी तो इसीलिए कहा जाता है। रिसेंटली कश्मीर में जो 5 हिंदू और सिख लोगों को टारगेट करके जानबूझकर उनकी जान ली गई, ताकि 1990s की तरह कश्मीर में माइनॉरिटीज यानी कश्मीर में रह रहे हिंदू और सिख लोगों के बीच डर का माहौल बनाया जा सके। आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के बाद पहली बार कश्मीर की सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ी है। और गौर करने वाली बात है कि ये इंसिडेंट्स ठीक उस समय पर हो रहे हैं जब भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह का कश्मीर दौरा होने वाला था। दौरा तो खैर अमित शाह ने इन हमलों के बावजूद डर के मारे रद्द नहीं किया है और वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कश्मीर की विजिट पर जाएंगे। लेकिन इस इंसिडेंट को मोदी सरकार ने काफी ज्यादा सीरियसली लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एनआईए, बीएसएफ, सीआरपीएफ सबके हेड्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके बाद अजीत डोवाल साहब की लीडरशिप में इन सबको सिचुएशन हैंडल करने का टास्क दिया गया है। जैसे ही न्यू दिल्ली में अमित शाह ने मीटिंग खत्म की, उसके 48 घंटों के अंदर ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने कश्मीर में 900 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स, सरेंडर किए गए आतंकी, पत्थरबाजी में बार बार शामिल होने वाले हुरियत और जमात के कई सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया था, जिनसे फिर उसके बाद इंटेरोगेशन में लश्करे तैयबा एलईटी के खड़े किए गए द रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ के आतंकियों के बारे में पता चला था। क्योंकि ये सारे लोग बेशक अनलॉफुल एक्टिविटीज में खुद ही शामिल हों या फिर नहीं हों, लेकिन इनको खबर तो हो ही जाती है कि ये सारी घटनाएं कौन कर रहा है। डिटेन करने के बाद खबर ये निकल कर आ रही है कि 900 से ज्यादा लोगों को डिटेन करके जो उनसे पूछताछ चल रही थी उसका रिजल्ट भी अब मिल गया है। और कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले 24 घंटों में तांडव मचा कर रख दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द ट्रिब्यून के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कश्मीर घाटी में मंडे रात से पिछले कल देर शाम तक कई सारे अलग अलग एनकाउंटर्स में कुल 7 आतंकवादियों को मारा गया है। 2 आतंकी तो मंडे नाइट को ही मारे गए थे, जबकि बाकी के 5 ट्यूसडे यानी पिछले कल सुबह के समय मारे गए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 में से 1 मिलिटेंट अनंतनाग, 1 बांदीपुरा और 5 मिलिटेंट्स शोपियान में अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। 7 आतंकी एलईटी और द रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ के थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो बिहार के वीरेंद्र पासवान लाल बाजार में गोलगप्पे की रेडी लगाते थे, उनकी जान लेने वाले मुख्तार हुसैन शाह को भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिछले कल इन्हीं एनकाउंटर्स में मार गिराया है। इसके साथ आपको ये जानकर खुशी होगी कि कश्मीर में जो ये पिछले 24 घंटों में एनकाउंटर हुए, जिनमें कुल 7 आतंकी मारे गए, इनमें एक भी भारतीय सेना के जवान की कैजुअल्टी बिल्कुल नहीं हुई, जो कि बेहद खुशी की बात है। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन पहले तो खबर आई थी कि 5 भारतीय सेना के जवान कश्मीर में शहीद हुए थे, तो आपको बता दूं कि वो इंसिडेंट कश्मीर रीजन का नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह अलग इंसिडेंट था, जो हुआ था पुंछ डिस्ट्रिक्ट के सुरनकोट एरिया के पास, जो कि जम्मू रीजन में पड़ता है। वो जो ऑपरेशन हुआ था उसका कश्मीर में टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग से कुछ भी लेना देना नहीं था। पुंछ सेक्टर में किया गया वो वाला ऑपरेशन तब शुरू किया गया था जब सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स लाइन ऑफ कंट्रोल इन्फिल्ट्रेट करके भारतीय सीमा में घुस आए हैं। जब भारतीय सेना की सर्च पार्टी उनकी तलाश करने के लिए निकली थी, तो पता चला कि वो सारे हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट उल्टा भारतीय सेना का घात लगाकर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सर्च पार्टी पर अचानक से हमला कर दिया था। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो कश्मीर रीजन में टारगेटेड सिविलियंस किलिंग शुरू हुई है, उसमें बड़ी सफलता मिली है। कश्मीर के अलग अलग पार्ट्स में पिछले 24 घंटों में 7 आतंकी मारे गए हैं और हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। वैसे कश्मीर के अंदर जो ये आतंकियों ने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो भी सिलेक्टिवली हिंदू और सिख कम्युनिटी को, यही उनके लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार इस पर बेहद कड़े फैसले लेने के मूड में है। और जो जम्मू डिवीजन की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो इन्फिल्ट्रेशन यानी सीमा पार से घुसपैठ हुई थी, उस वाले ऑपरेशन में 5 जवान शहीद हुए थे, उसके लिए तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद वो अभी भी सीमा पार से घुसपैठ लगातार करवा रहा है। गौर करने वाली बात है कि जिन 900 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था, वो लोग अभी भी हिरासत में हैं और उनसे अभी भी पूछताछ चल रही है, यानी उनकी अच्छे से सेवा की जा रही है।